पैसे नहीं है, चुरा लो, ये ख्याल आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो वॉच है ना भाई साहब, चलता फिरता एक तगड़ा सा गैजेट है, सारे फीचर भर भर के दे रखे हैं, वाटर प्रूफ है, एमोलेड स्क्रीन के साथ राउंड स्क्रीन जो आती है, साथ में नॉइस कैंसिलेशन भी वॉइस कॉल इसमें दे रखा है, सारी OSS, मतलब क्या क्या मैं बताऊं, वीडियो पूरी देख लो आपको समझ में आ जाएगा कि वॉच भाई ऐसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नॉइस की वॉल्व 4 तगड़ी बवाल है भाई, ये समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो गाइस आज मेरे पास है नॉइस की स्मार्ट वॉच और ये इवोल्व 4 फिलहाल हाल ही में लॉन्च हुई है और इसको मान के चलो 2 से 2.5 महीने तकरीबन से हुए हैं, मेरे हिसाब से 4 महीने मान चलो, मतलब मोर की जो 4 महीने अभी से हुए हैं, अभी लॉन्च हुए हुए और काफी बेस्ट परफॉर्मेंस इस स्मार्ट वॉच का है। इससे पहले जो स्मार्ट वॉच थी इवोल्व 3 थी नॉइस की, उसके अंदर हमें फीचर देखने मिलता है, लेकिन बात करते हैं दोनों स्मार्ट वॉच की लुक वाइज सेम देखने मिलते हैं, बॉडी लुक, एमोलेड स्क्रीन और स्टेप थोड़ा सा चेंज, मतलब कुछ 19-20 का फर्क आपको देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीज आपको सेम देखने मिलती है इवोल्व 3 और आपका इवोल्व 4 स्मार्ट वॉच आपकी दोनों बेस्ट मिलती है। लेकिन अगर हमको स्मार्ट वॉच बाय करनी है इवोल्व 4 को, तो मैं ऐसे क्या चीजें हम इवोल्व 3 को छोड़ के, अभी तकरीबन इवोल्व 3 का जो प्राइस है आपकी ऑफर में आया है, मान के चलो 1700 रुपए करीब आपको मिल रहा होगा, इस समय 2024 चल रहा है, मार्च का महीना है और आपको 1700 और अच्छा ऑफर मिल जाए तो 1600 मार के चलो, इतना अभी प्राइस पर चल रहा है। और इवोल्व 4 ये अभी स्मार्ट वॉच मेरे हाथ में है, इवोल्व 4 का जो स्मार्ट वॉच है जो प्राइस चल रहा है 2000 से 300 रुपए इतना चल रहा है, लेकिन अच्छा ऑफर में मेरे अभी मैंने जो बाय करा है, मैंने बाय करा है 2080 रुपए का बाय करा है। क्यों बाय करा है, क्योंकि अच्छा ऑफर आया फौरन मंगा दिया, उसके अनबॉक्सिंग आपके सामने है। और फिलहाल मैं बात करता हूँ इस स्मार्ट वॉच की, आपको देखने मिलते हैं 3 वेरिएंट देखने मिलते हैं, वैसे कलर तो आपके एक ब्लू कलर मिलता है, एक मिलता है आपको मिलता है ब्लैक, भाई ये कलर दो ही है, लेकिन वेरिएंट के मार्केट में 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक मिलता है आपका मेटल का स्टेप मिलता है और दूसरा मिलता है आपका सिलिकॉन प्लास्टिक वाला स्टेप मिलता है, तो अभी अच्छी क्वालिटी देखो मिल जाती है। तो मैंने भी लगाया सिलिकॉन का मेरा भी है, ब्लू कलर का देखो मिल जाता है, तो ये हमारा मिल जाता है नॉइस का इवोल्व 4 है। और बड़े बड़े अक्षरों में जो हाईलाइट इवोल्व कर रखा है स्मार्ट वॉच के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 1.4 एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपको मिलता है और साथ में आपका फंक्शनल स्क्रोल मिलता है, इसके अंदर एक बटन आपको मिलता है जो इवोल्व 3 के अंदर आपको सिर्फ 2 बटन थे आपको प्रेस करने वाले, इसके अंदर आपको इवोल्व 4 के अंदर आपको बटन मिलता है घुमाने वाला, ये वाला घुमाओ टक टक टक, ये आप घुमा सकते हो, तो जी आपको इसके अंदर आपके स्मार्ट वॉच मिल जाती है। बाकी इसके अंदर आपको मिल जाता है SOS की कॉलिंग मिल जाता है, वो किसी को भी आपका ज्यादा कॉलिंग वगैरह करते हो गए, आपको पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गए, बहन हो गए, भाई हो गए, दोस्तों जो भी होगा फैमिली मेंबर होगा उसका आप नंबर सेव कर लो, ऑटोमेटिक SOS कॉलिंग के अंदर कुछ नहीं करना, 5 बार जल्दी आप सेटिंग दबा दो, वो सेटिंग हम वीडियो अंदर देखते हैं, थोड़ा पूरा बताया बताता ना सही है। ओके अनबॉक्सिंग अंदर क्या देखने मिलता है, बॉक्स मैंने पहले निकाल लिया, बॉक्स आपको देखने मिलेगी जैसी बात है, बॉक्स मैंने निकाला, ये बॉक्स के साथ आपको क्या मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको मिलेगी, वही जमीन के कागज मिलेंगे, वो भी इसी के स्मार्ट वॉच से जमीन कागज देखने मिलेंगे, सभी चीजें रखते हैं स्मार्ट वॉच को अलग रखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को साथ में होगा, चार्जिंग केबल मिलेगा, बस ये चीज है, वॉच होगी चार्जिंग केबल होगा, बाकी जमीन के कागज होगा इसी के, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे स्मार्ट वॉच के अंदर जो हमें चीजें देखने को मिलती है, तो सिलिकॉन का पट्टा आपको देखने को मिलता है, तो चीज आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। पहली चीज आपको इसमें ये मिली है, क्योंकि जो आपका इवोल्व आपका 3 था उसका जो आपका जो पट्टा था, मतलब स्टेप था आपका स्मार्ट वॉच नॉइस का, जो आपका स्टेप था, ये क्या लॉक लगेगा, स्मार्ट वॉच का जो स्टेप था उसमें आपको थोड़ी सी आपको हार्ड आपको मिलता था, इसमें आपको थोड़ा सॉफ्ट देखो मिलता है, आपको ज्यादा इवोल्व का है सॉफ्ट देखो मिलता है स्टेप है, लेकिन इसका जो आपकी डार्क ब्लू जो कलर में आता है इसका ऐसा है कि आप स्टार्टिंग में जब यूज करोगे तो आपको नया लगता है, कुछ टाइम बाद में इसका कलर ऐसा हो जाता है जिसकी मट्टी मट्टी गंदा गंदा सा आपको होने लगता है। तकरीबन मैंने इस स्मार्ट वॉच को भी 1.5 दिन यूज करा है, उसके बाद आपको मैं सामने इसका रिव्यू दे रहा हूँ, अनबॉक्सिंग वगैरह से आपके बाद तभी पता लगेगा, और स्मार्ट स्टार्ट होगा, मैं पूरी वॉच को मैंने अच्छी तरह आपको सेटअप किया है, ठीक है। तो बस इतना ही हमें चीज देखने को मिलता है, पूरी आपको बॉडी अगर बात करें तो आगे पीछे की जो बॉडी मिलती है आपको मिलती है इसमें प्लास्टिक के साथ मेटल का बॉडी मिल जाता है, लेकिन एक चीज में थोड़ा सा मैं दुख हूँ भाई, इसी स्मार्ट वॉच में आपको थोड़ा सा शाइनिंग थोड़ा ज्यादा ग्लोसी दे दिया है, और ग्लोसी से दिक्कत ये है कि ग्लोसी पे भाई डेंट स्क्रेच और ये चीज बहुत ज्यादा लगते हैं, ऊपर की मेटल की बॉडी दी है तो काफी बेहतरीन लुक वाइज आपको देखने को मिलता है, ये चीज आपको काफी है। मतलब ये जो वॉच है ना आपकी इवोल्व 3 होगी और इवोल्व 4 हो गया, जो लुक वाइज जो सेम रखा गया है ना भाई, वो चीज मान के चलो हमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन गाइस इसी की बात होती है जो हमें थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी में, अगर आप कोई किसी और स्मार्ट वॉच को आप जाओगे थोड़ा सा गोल राउंड होता है, वो होता है थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि हम कोई चाइनीज वॉच को यूज कर रहे हो, लेकिन इस आपका नॉइस का ये वाली वॉच है इसमें आपको कोई भी फील ऐसा नहीं मिलता है कि आपको ये स्मार्ट वॉच है कोई लोकल क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, तो ये चीज आपको बिल्ड क्वालिटी में आपकी काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल मिलती है, साथ ही आपको वाटर प्रूफ आपको देखने को मिलता है इस स्मार्ट वॉच के अंदर, आप इजिली नहा सकते हो,
पानी में जा सकते हो, लेकिन जो कुछ मीटर है लिमिट वगैरह मान के चलो, आप 1.5 मीटर से ज्यादा नीचे पानी में मत जाना। आपको मुंह धोना है और आपको नहाना है तो स्पोर्ट्स को आप पहन के यूज कर सकते हो। तो ये चीज आपको एकदम अच्छी मिल जाती है स्मार्ट वॉच के अंदर। वाटर प्रूफ के साथ मिलता है, लेकिन हैवी वाटर प्रूफ आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। नॉर्मल वाटर प्रूफ आपका आता है स्मार्ट वॉच के साथ। तो चीज आपको काफी अच्छी मिल जाती है। फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन आपको भर भर कर देखने को मिलते हैं, जो आज के टाइम पे हमें सारे फंक्शन को यूज करने चाहिए होते हैं, सारे फंक्शन इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। कैलकुलेटर भी भर के दिया है, मतलब सारी चीज ऐसी नहीं है। मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ कि अगर हमें फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो मेरे पास है नॉइस की इवोल्व 4 की स्मार्ट वॉच, एमोलेड स्क्रीन साथ आती है, राउंड में ब्लू कलर मेरे पास है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको 9 फंक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आप इजीली डेली बेस पे यूज कर पाओगे। 5 टाइम इसका ब्राइटनेस है, जो काफी ज्यादा हैवी मिलता है। आउटडोर इसको यूज करते हो तो काफी विजिबल आपका स्मार्ट वॉच आपका रहता है, तो काफी अच्छा इसका ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे की तरफ आप यूज आप दबाओगे तो सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है, वो भी आपका शॉर्टकट तरीका है। तो काफी ढेर सारे फंक्शन सेटिंग के अंदर भी आपको मिल जाते हैं। आप रिबूट हो गया, पावर हो गया, अबाउट कॉलिंग, डू नॉट डिस्टर्ब, मतलब काफी फंक्शन आपको उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं डेली बेस पे यूज करने के लिए। तो ये चीज अच्छी है। और आपका साइलेंट हो गया, कॉल किसी का रही है, आपको नहीं उठाना है, नहीं उठाना, डिस्टर्ब नहीं होना है, वो भी चीज आपको मिल जाती है। पावर सेविंग मोड का भी बेनिफिट काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आपकी स्मार्ट वॉच की बैटरी कम रह जाती है तो आपको दिक्कत थोड़ी रहती है उसकी, स्मार्ट वॉच आप थोड़े बाहर निकले हुए हो तो स्मार्ट वॉच पे उसको जो रहता है फंक्शन पावर सेविंग मोड पर आप क्लिक कर दीजिए, आपकी कम से कम 10% बची, 5% बची तो थोड़ी सी आपकी लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगी, तो सारे फंक्शन आपको ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे, इसका बेनिफिट रहता है। और स्क्रीन लॉक का भी बेनिफिट ये है कि आप उस पर दबाओगे तो आपकी सारी चीज वर्क करना बंद कर देगी, तो वो भी काफी अच्छा। अगर आप हाथ पहनना किया, आप गलती से टच हो जाता है स्क्रीन, तो आप कोई भी उल्टा सीधा फंक्शन आपको वर्क नहीं करेगा। उसको आप दबा के और इसको ऑफ करना है तो आपको लॉन्ग टाइम प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको ऑफ हो जाएगा। और आपका फंक्शन काफी अच्छा इसमें देखो मिल जाता है, टॉर्च मिल जाता है, और उसकी टॉर्च की जो लाइट है काफी ज्यादा हैवी है। और इसको जब यूज करोगे अंधेरे में कम से कम आपकी सारी रोशनी, आपकी एक छोटा सा फ्लैश है जो काफी विजिबल है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, एक अंधेरा और अब ये लाइट, अंधेरा और ये लाइट, इतना फंक्शन आपको इसमें विजिबल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये काफी चीज आपको छोटी छोटी चीज होती है जो आपको आगे जाकर इनको यूज करने के बाद आपको इनकी चीज का एहसास होता है, आपको इस चीज में दिया है तो काफी वॉच में काफी यूजफुल आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको देखने को कभी कभी आपको यूज में रहती है, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको वॉच में मिल जाती हैं, तो आपको अच्छा और काफी फंक्शन में आपको देखने को मिल जाते हैं। और आपको यूज करना है, आपको टैप टू करना फाइंड माई डिवाइस पे, इसका जो लाइट है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर आपको फोन के रखे भूल गया, आपको नहीं मिल रहा है, फाइंड माई डिवाइस पर क्लिक करके आप उस पर निकाल सकते हो। और स्क्रॉल का बात करें तो स्क्रॉल आपको ठीक मिल जाता है, तो स्क्रॉल में आपको आवाज़ भी देखने को मिलती है, तो काफ़ी आपको खटखट की हल्की सी आपको आवाज़ भी देखने को मिलती है आप जब उसको घुमाते हो, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। और स्क्रॉल आपका हर जगह आपका वर्क करेगा जब आप स्क्रॉल को आप यूज़ कर पाओगे, तो ये चीज़ आपको स्क्रॉल में भी अच्छी मिल जाती है। और सेटिंग अगर बात करें तो सेटिंग में आपको काफ़ी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, आप रिंगटोन हो गया, आपका वाइब्रेट हो गया, उसमें आपको स्क्रीन की कितनी आपको रखनी है, टाइमिंग वगैरह कितने देर तक आपको ऑन करना ऑफ करना है, वो भी आप इसमें में वगैरह चेक कर सकते हो। और भी चीज में आपको देखने को मिल जाती है, ब्राइटनेस भी आपको मैंने फिलहाल तो मैंने मीडियम में रख रखी है, हाई करूंगा तो उसमें आपको विजिबल नहीं हो पाएगा। और वाइब्रेट करना है, वाइब्रेट मतलब ये अपना हाथ में पहनना कहा है तो कितना वाइब्रेट होना चाहिए, इसका आपका एक तरह का स्टैंडर्ड देखने को मिल जाता है। मैं ज्यादा हैवी नहीं कहूंगा लेकिन स्टैंडर्ड ठीक ठाक है, उसमें आपको विजिबल होता है कि आपका हाथ में कुछ है, अगर आप सो रहे हो या फिर आप कहीं किसी कॉल आ रही है, तो उस चीज में आपका काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है वाइब्रेट होने पर। और डू नॉट डिस्टर्ब का आपको इसमें सेटिंग देखने को मिल जाता है, अपने हिसाब से टाइमिंग वगैरह सेट करके अपने हिसाब से देख सकते हो, डोंट डिस्टर्ब को चेक करना दो। और आपको मेन्यू मिल जाता है, आपको कैसा मेन्यू उसमें आपको रखना है, फिलहाल इसके अंदर दो ही देखने को मिलते हैं। फिलहाल आप और स्मार्ट वॉच आपको चार पर मिल जाते हैं, इसमें दो मिलते हैं, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन दो भी आपको ठीक ठाक अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसके कलर बहुत प्यारे हैं, एमोलेड स्क्रीन के साथ आती है तो कलर भी इसमें काफी अच्छे देखने को आपको मिल जाते हैं, तो ये चीज इसमें आपको काफी प्यारी देखने को मिलती है। तो इसको ऑफ कर देता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ। तो ये चीज अच्छी मिलती है, रिंग टोन आपको मिल जाता है और साथ में आपको राइट मिलता है, ब्राइट, डू नॉट डिस्टर्ब, मेन्यू, ऑटो, और इसमें आपका ऑटो स्पॉट डिटेक्शन है, मतलब आप इसमें तो ऑटोमेटिकली खुद ही ये डिटेक्ट कर लेगा अपने हिसाब से, और ये चीज आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाती है। और आपका हो गया अबाउट कॉलिंग, हो गया अपने हिसाब से अबाउट, अब ये फिलहाल ये बीटी कॉलिंग के ये हिसाब से मांग रहा है, लेकिन इसमें अबाउट कॉलिंग वगैरह आप अपने कैक्स को अपने हिसाब से अपने खुद मैनेज कर लेना, मतलब सेटअप फिलहाल मैं इसको ज्यादा नहीं करा है, हल्का फुल्का आपको मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाती है, अब इसको बटन दबाओगे तो नॉइस के हेल्थ में आपको ये 6 से 7 के करीब आपको हेल्थ में देखने को मिल जाएंगे। आपकी एक्टिविटी हो गया, हार्ट रेट हो गया, आपका
ब्लड ऑक्सीजन हो गया, मतलब ये चीज आपको देखने मिल जाती है। और नॉइस आपका काफी चीज में आपका बेटर भी आपको परफॉर्मेंस निकाल के देता है। क्लॉक पे क्लिक करोगे आपके सारे फंक्शन मिलते हैं, और आपको कॉलिंग करना है नॉइस बस में हो गया, बस किसी को डायल पैड में, काफी चीज इसमें आपको अच्छी मिल जाती है। और टच रिस्पॉन्स भी आपको 60 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है, ये चीज आपको अच्छी मिल जाती है छोटी सी स्मार्ट वॉच नॉइस इवॉल्व 4 के अंदर। म्यूजिक चलाना है, कंट्रोल करना है, तो फिलहाल वो सब आपको इसके अंदर इजीली आपको देखने को मिल जाता है। रिमाइंडर हो गया, वेदर हो गया, और आपका वेज फॉश हो गया, और फ्लैश लाइट, कैलकुलेटर भी, छोटी छोटी डिटेल चीजें जो काफी आपको डेली बेस पे यूज आपको रहेगा, तो ये चीजें अच्छी मिल जाती है। कैलकुलेटर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, और आपका वर्कआउट वगैरह स्पोर्ट में ये चीज आपको काफी चीज इस स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाती है। फ्लैश लाइट की भी जो ब्राइट थी वो काफी अच्छी ठीक ठाक थी, और स्क्रोल फिलहाल तो अभी स्मार्ट वॉच के अंदर आपको इतनी फंक्शन देखने को मिल जाती है जो आप डेली बेस पे इसको यूज कर पाओगे, सारे फंक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। और जिसका स्क्रोल है ये भी काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, प्लास्टिक का देखने को मिलता है, लेकिन ये चीज स्क्रोल है काफी प्यारा, मतलब आप हल्के से इसके घुमाओगे और इजिली इसको यूज आपको घूमने लगता है। तो ये चीज आपको अच्छी है, प्रेस दबाओ घुमाओ सारी चीज आपको देखने को मिल जाती है। कॉलिंग करना है इसको 5 times आप जल्दी दबा दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जिस किसी को भी सेट करके रखोगे उसे कॉल आपकी ऑटोमेटिक मिल जाएगी 5 times दबाने पर। ये बेनिफिट इस चीज में आपको देखने को मिल जाता है, SOS कॉलिंग का ये बेनिफिट आपको इसके अंदर स्मार्ट वॉच के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज अच्छी अच्छी चीज है, जब आप डेली बेस पे यूज करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि स्मार्ट वॉच में ये बेनिफिट हमारा क्या क्या चीज है। मुझे तो फिलहाल ये स्मार्ट वॉच में काफी ज्यादा बेस्ट लगी है, कुछ छोटी छोटी चीज में इसमें डिटेल में ध्यान रखा गया है कि स्मार्ट वॉच में ये चीज हमको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो ये चीज काफी ज्यादा बेस्ट रहती है। तो गाइस अब इसकी एक बार वॉइस कॉलिंग टेस्ट एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसकी वॉइस कॉलिंग का टेस्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो एक बार फिलहाल मेरी घड़ी अभी ऑफ है, ऑन दबाया और मैं करता हूँ वॉइस एक बार कॉल। ठीक है, कॉल चल रही है। घंटी जा रही है, देखो आवाज आ रही होगी। हाँ तो घंटी अभी फिलहाल जा रही है। हेलो, दही कितना लाऊं मैं? दही, हाँ दही कितने ले आऊं? दही ठीक है ले आऊंगा ठीक है। अच्छा ठीक है। तो गाइज आपने देखा कि आवाज़ की कैसा आई है, आपको समझ में आ रहा होगा। फिलहाल तो मुझे तो समझ में आई है क्योंकि अभी मैं बैकग्राउंड में स्ट्रीट पंप आप देख सकते हो चलता हुआ रोड है, और यहाँ पे मैं रात के समय में हूँ, और फिलहाल अभी तकरीबन बज रहे होंगे 11 के करीब, इस टाइम पे बज रहे होंगे, और यहाँ पे वीडियो शूट में कर रहा हूँ, और शायद 10-18 हो रहे हैं और मैं मेन रोड पे हूँ, यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो भी वॉइस कॉलिंग का टेस्ट के लिए। आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलिंग की वॉइस कैसी। फिलहाल तो मेरे को अभी 6 लगी है, और उसमें थोड़ी सी लाउड और आवाज़ होती तो अच्छा लगा, स्पीकर की थोड़ी आवाज़ थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी ओवर लाउड होती तो समझ में थोड़ा अच्छा रहता, कान पे लगाकर थोड़ा सुनना पड़ता है। अगर आप कहीं रूम में हो तो आप इजीली हाथ पे नीचे रखकर भी आप कॉल कर सकते हो, लेकिन आपको बाहर के तरफ आपको ऐसे सुनना पड़ेगा, हाँ भाई आवाज़ आ रही है, उस तरह थोड़ी आपको लाउड स्पीकर थोड़ा ओवर होता तो और मजा आता, लेकिन हाँ वॉइस आपकी माइक के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ये मिलता है, क्योंकि वॉइस से आप जब आप किसी बात करते हो दूसरे को आवाज़ जाती साफ जाती है, लेकिन आने में टाइम पे आपको ध्यान से सुनना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी स्ट्रीट पे हो या फिर मार्केट के टाइम पे होगा तो उस टाइम पे आपको थोड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है आवाज़ सुनने के टाइम पर, तो आवाज़ थोड़ी सी लाउड कम मिलती है, लेकिन ये चीज़ आपको वॉइस अच्छा मिल जाता है तो ये चीज़ आपको फिल्टर अच्छा मिलता है। और दूसरी चीज़ आपको SOS का कॉलिंग मिल जाता है, आपके सामने में ये हमने बंद रखा है स्क्रीन, ठीक है ऑफ हो जा, बंद है ठीक है। हमें मतलब SOS 5 times में डबल डबल टैप करूंगा, अपने आप ही कॉल मिलेगी, कुछ नहीं करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 कॉल अपना मिल चुकी है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कॉल चल रही है, तो ये ठीक है आपके सामने कॉल लग चुकी है। तो SOS का भी इसके अंदर फीचर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस स्मार्ट वॉच की एक चीज और खासियत है, वो इस स्मार्ट वॉच के अंदर तो आपको ऐप देखने को मिलता है, उस ऐप के अंदर एक चीज है कि आप सारे के सारे ऐप के नोटिफिकेशन अपने स्मार्ट वॉच के अंदर आप देख पाओगे, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, आपने नया इंस्टॉल करा हो या पुराना हो, आप गेम का हो या फिर आपको बिना कान का भी ना हो, बकचोदी वाला भी आपका हो एप्लीकेशन जो आपको यूज ना होता हो, उसका भी आप इसमें नोटिफिकेशन आप देख पाओ, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, या फिर आपको लेना है जीमेल, यूट्यूब, क्या क्या बताऊंगी, मतलब सारे के सारे आप एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन अपने स्मार्ट वॉच पे भी ले पाओगे। पर दिक्कत ये है कि आप अगर व्हाट्सएप पे अगर आपकी कॉलिंग कराती है, वीडियो कॉलिंग तो छोड़ में वीडियो कॉलिंग कैमरा नहीं, आप वीडियो कॉलिंग कर नहीं पाओगे, हाँ वॉइस कॉलिंग अगर आती है व्हाट्सएप के अंदर, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि कॉल आ रही है,
लेकिन इसमें आप व्हाट्सएप कॉल इसमें उठा नहीं पाओगे। अगर आपके नॉर्मल कॉल आ रही है तो आप इसमें कॉल वगैरह उठा लोगे, और इसकी माइक की क्वालिटी भी काफी अच्छी है और नॉइस कैंसिलेशन सिस्टम आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और साथ में स्पीकर भी अच्छे मिले, थोड़े से लाउड स्पीकर होगा था, स्पीकर थोड़ा सा लाउड मिल जाता तो थोड़ा मजा आ जाता, लेकिन इसमें लाउड नहीं है, नॉर्मल स्पीकर मिल जाता, मतलब ओके बड़ा किस मिल जाता है वो जी आपको स्मार्ट वॉच देखो मिल जाती है, तो चीज़ अच्छी है। और पूरे आपको चीज़ों बिल्ड क्वालिटी है सब कुछ परफॉर्मेंस देखो मिल जाता है, एमरोड की स्क्रीन मिलती है, साथ में राउंड है और बेजरलेस भी आपको देखो मिल जाता है, वो पूरी चीज़ है मेटल के साथ मिलता है, ये पीछे चीज़ आपको देखने मिल जाती है शाइनिंग वाली है, तो इसमें स्क्रेच भी आपको देखने को मिल जाता है, तो मिलेंगे ये चीज़ आपको स्मार्ट वॉच देखने मिलती है। तो इस स्मार्ट वॉच को अगर बाय करना आप चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, प्राइस भी अब ज़्यादा नहीं है, 2000 रुपये या फिर 2500 रुपये मान के चलो उस टाइम पर उसका प्राइस चल रहा है, थोड़ा वेट और कर सकते हो तो थोड़ा कम हो जाएगा ऑफर पर, लोग दिवाली वगैरह में अपने बिल्कुल डेली जो ऑफर आता है तो फिर क्या फायदा, ये वॉच आपको 1800 में मिल जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जय हिंद जय।